हेलो, राम राम जी। वेगा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको सिखाएंगे सिंपल सूट की कटिंग। बोट नेक में होगी इसकी कटिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। तो ये देखो, एल ले लिया है हमने। एल से हम इसकी कान निकालते हैं। ये निकल गई हमारी कान और एल का काम हो गया ख़त्म। और अब ये देखो, साढ़े सात, ग्यारह, चौदह, साढ़े बीस, साढ़े सात, ग्यारह, चौदह और साढ़े बीस। अब इन इंसानों को ऐसे ही मिला लेंगे। बोट नेक में होगी इसकी कटिंग आज। हमारा जो मोटे का और तीरे का मेजरमेंट होगा वो गले के हिसाब से होगा। गला छोटा बड़ा है तो उसकी कटिंग अलग हो जाती है। नहीं, ये मिला लिए हैं। लेंथ हमने पहले ही ले ली थी, फिर से ले लेते हैं। कपड़े की लेंथ है 46 और हमने लेंथ इसकी तैयार रखनी है 42, यानी कि 42, साढ़े 42 लेंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे, फिर हम छोटा सा नोचिस और इधर भी 42.5 पे लगा लेते हैं। यहाँ से मिला लेंगे। अब हम तीरा लेंगे 7 और यहाँ से भी 7। ले लिया यहाँ से अंदर की साइड और 4 इंच का हमारा ब्रॉड रहेगा इसमें, तो 4 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ से हल्का सा डाउन कर देते हैं आगे वाले पार्ट को। और अब हमारा मेजरमेंट होगा ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट है 36.5, तो 36.5 और 3 39 और आधा 39.5, तो ये हम 39.5 पे लगाएंगे निशान। लोअर हमारी ब्रेस्ट होगी 37, 37 में आधा और लेंगे तो 38 हो जाएगी। 37.5 में 38 होगी। 31 है हमारी कमर, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 32.5 हो जाएगी। तो 32.5 का कितना आएगा, 8.1, और ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा होता है प्लेट का। और अब हमारी हिप आएगी, हिप आएगी हमारी 20.25, 20.1, ये हमारी हिप होगी। हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन सिलाई के लिए। एक्स्ट्रा हो गया। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे, ये मिला लिया। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे भी हमारा लोअर का निशान बैठा है वहाँ पे लाएंगे। ऐसे ही हमारा एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको भी हम मिलाते हुए चलेंगे साथ के साथ। ये देखो, ये हमारा हो गया। और अब हमने यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया, 12.5 हो गया भैया। 12.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 12.5 पे ही यहाँ होगा। अब रह गया हमारा ये यहाँ पे गोलाई का निशान, मोटे में जो हमारी गोलाई आती है। ये देखो, ये ऊपर वाला बैक साइड का है, ये हम एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हमारा गला पीछे ना भागे। दोनों पार्ट के हम साथ ही कटिंग करते हैं क्योंकि इसमें लाइनिंग नहीं लगेगी। ये सिंपल है सूट, विदाउट लाइनिंग है।
कट गया हमारा। और अब हम ये काटेंगे फ्रंट हमारा। फ्रंट ये देखो यहाँ पे हमारा निशान है, ये यहाँ से हल्का सा डाउन है, ये अंदर की गहराई है, ये हटा दूंगी जब आपको दिख जाएगी गोलाई, काट के दिखाऊंगी। ये देखो इसमें भी दिख रही है, मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये हमारी गोलाई थी इसकी जो हमने कटिंग कर दी है। अब हम लगाएंगे इस पर बैक में प्लेट के निशान, और जो ये हमारे निशान है ये हम दूसरी तरफ उतारेंगे ऐसे करके। आप फिरकी से भी उतार सकते हो ये दूसरी तरफ, फिरकी से किसी और दिन उतारने सिखाऊंगे, जो हमारी चक्री आती है निशान वाली। ये देखो यहाँ पे भी हमने प्लस का निशान बना लेना है इन पर। ये देखो भाई अभी हम अपने निशान यूं के यूं कवर कर लेंगे जैसे हमने दूसरी तरफ लगाए हैं, वैसे ही हम इस तरफ लगा लेंगे। ये देखो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इस तरफ भी हमारे सेम हैं। तो अब हम बैक में लगाएंगे प्लेट के निशान, ये हम यहाँ पे इसके सेंटर में नोचिस लगा लेते हैं, ये हमारी होगी कटिंग। अब हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। प्लेट है हमारी 3.5 और 1/2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो, और 4.5 ही नीचे रहेगी और 4.5 ही ऊपर, 4.5 ऊपर निशान हो गया, फिर 4.5 पे ही हम 3.5 लेंगे इस तरफ अपने निशान, हम फिटिंग के प्लेट के कंप्लीट करेंगे। अब हम ये निशान दूसरी तरफ उतारेंगे, सीजर की मदद से हम, इनू किल्ली चीज है तो बिल्कुल प्रॉपर बीच सेंटर में प्लस के निशान पे रखेंगे बीच में, तब हमारा निशान प्रॉपर आएगा। अब हम इसको है ना, मेरे को तो आते हैं जो ट्रेंड है, अगर किसी से नहीं सिलाई प्रॉपर लग रही तो हम यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे प्लेट का। ये देखो ये हमारी प्लेट का निशान है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से ऐसे आगे पीछे पक्का कर लेना। अब हम बाजू काटेंगे, आज हमारी बाजू होगी थोड़ी सी लंबी, बाजू हम दूसरे कपड़े से काटते हैं क्योंकि इसमें से हमने पार्ट निकालने हैं सलवार के, तो इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। ऑल ओवर सूट की कटिंग थी ये पूरा सूट ऑल ओवर है, तो हम इस कपड़े की चेयर तय बना लेंगे ऐसे। ये हमारी तय बन चुकी है, इसको हल्का फुल्का प्रेस पर बैठा लेंगे। 19 हमारी लेंथ है, इसकी भी थोड़ी सी कांड निकाल लेते हैं, मेरे को लग रहा है ये टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ से हम 2 लेंगे, फिर हम 4.5 लेंगे, और हमारा मोड़ा हमने 7.5 लिया था, ये हम 8.5 लेंगे यहाँ से, हमारी एकदम प्रॉपर आ जाएगी
अब यहाँ से जो हमने ये 3 डाउन किया है, यहाँ से हम 4.5 पे निशान लगाएंगे। 4.5 पे लग गया और फिर हमारा यहाँ से बिल्कुल कोने पे सेंटर पे निशान आएगा ये, और फिर जो हमने यहाँ पे 4.5 लिया था वहाँ से जो ये निशान आया हमारा यहाँ से, यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे 2 इंच पे। ध्यान से देखना है भाई। और अब हम इसकी हल्की सी गोलाई करेंगे ताकि इसकी ये कोण खड़ी ना रहे, अच्छी फिटिंग आ जाए। हम इसको लेंगे 22 इंच लेंथ लेंगे इसकी, और अब हम यहाँ 19.5 पे निशान लगा लेंगे लेंथ का। ये हो गया, मोरी रहेंगी इसकी 4.5, सॉरी 5 रहेंगी, तो हम 6.5 ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं रखते बच्चों में। वैसे तो 2 इंच एक्स्ट्रा होता ही है मार्जिन, लेकिन किसी किसी कस्टमर को पसंद होता है, किसी को नहीं। तो ये देखो, अगर किसी को फिटिंग की बाजू पसंद है तो इससे लगा लेंगे हम फिटिंग का निशान। ये देखो, ये आ जाएगा हमारा फिटिंग का, जैसे ये अंदर आ गया, ये सीधा था, ये हमारा बाहर आ गया था, तो ये हमारा फिटिंग का है। और अब होगी ये हमारी फ्रंट की कटिंग। जैसे हमने गले मोढ़े में कटिंग दी थी गोलाई का हल्का सा टच, वही सेम बाजू में कटिंग होती है। देखो यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा हमारा ये एस बना हुआ हल्का सा, बिल्कुल। तो भाई आज के लिए यही था। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे और ये नोचिस लगा लेते हैं फोल्ड के लिए। ये हमारी बाजू। आज की सूट की कटिंग कैसी लगी बताना कमेंट करके, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि हमारा मोटिवेशन हो जाए, हमें ये लगे भाई आपको अच्छी लग रही है वीडियो, और फिर कुछ लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।